नमस्कार। आज के सत्र में हम स्वागत करते हैं इंद्रजीत सिंह जी का, जो किसान आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हैं, एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं। और इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथी, पुराने साथी रमणीक मोहन जी, जो रोहतक में अंग्रेजी पढ़ाते थे और भारत पाकिस्तान शांति और मैत्री के प्रयासों से भी जुड़े रहे हैं, दिल्ली से मुल्तान की पदयात्रा में शामिल थे। तो रमणीक भाई, मैं आपको सौंप रहा हूँ ये सत्र का संचालन, और अब आप संभालिए और इंद्रजीत भाई से साक्षात्कार कीजिए। हम जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो, उसकी क्या स्थिति है अभी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन किसानों को थका देने वाली एक रणनीति उसने अपनाई हुई है, तो आखिर क्या होने वाला है इसका, सब लोग जानना चाहते हैं। रमणीक भाई जी, सबको नमस्कार और सलाम। जो बात संदीप जी ने रखी कमोबेश वही बात मेरे दिमाग में भी थी कि वहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 4 महीने से ऊपर इस आंदोलन को चलते हो गए और अभी भी बॉर्डर्स के ऊपर स्थिति जस की तस है। दोनों तरफ से ही एक तरह का स्टेलमेट चल रहा है, और जो लोग किसान आंदोलन के की कामयाबी के बारे में सोचते हैं उन्हें अब इस बात के बारे में गहन विचार करने की जरूरत भी महसूस होती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और क्या कुछ ऐसा हो जिससे और दबाव सरकार पर पड़े, जिससे कि इन लॉज को रिपील करने की तरफ वो बढ़े। मैं 2-3 बातें जो मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं वो मैं रखना चाहूंगा, और उनके इर्द गिर्द इंद्रजीत जी कुछ बात शायद रखेंगे तो कुछ रोशनी पड़ेगी सारी बात पर। इस समय जैसी स्थिति, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 2-3 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा ताकि ज्यादा समय इंद्रजीत जी ही बात रखें। इस समय स्थिति जो मुझे, मैं बहुत नजदीक हूँ खासतौर पर टिकरी बॉर्डर के, तो जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है वो ये है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी जो मुझे लगता है, और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से शायद, यहाँ से किसान अच्छी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब से, फिर हरियाणा से और फिर बाकी के क्षेत्रों से वो जुड़े हुए हैं और अभी तक लामबंद है, बावजूद इसके कि कटाई का सीजन आने वाला है और वो सब हालात होने वाले हैं। लेकिन बाकी के देश में किसान आंदोलन को लेकर क्या स्थिति है, क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा इंद्रजीत जी से, क्योंकि वो किसान आंदोलन से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं आजकल, पिछले 5-6 महीने से वैसे भी रहते हैं किसानों के बीच, कि बाकी के मुल्क, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बाकी के मुल्क की तरफ से जब तक और दबाव नहीं होगा तब तक ये स्थिति शायद जस की तस बनी रहे। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा इंद्रजीत जी से कि बाकी के मुल्क में किसानों वाले फ्रंट पर खास तौर पर, यानी बाकी के मुल्क के किसान इस आंदोलन को लेकर कितना आगे तक जाने को तैयार हैं इस समय, नहीं है, और उस संदर्भ में क्या स्थिति दिखाई देती है, पहला सवाल मेरा ये है। इसका वो जवाब दे दे तो उसके बाद कुछ और बातों की तरफ हम बढ़ेंगे। जी इंद्रजीत जी, आपका अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। हाँ, अब सुन पा रहे हैं? जी जी। तो पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि ये बातचीत करने का मेरे को अवसर दिया, और वो जल्दबाजी में, क्योंकि मैं एक मीटिंग में बैठा था यहाँ बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर पे, और वो देर तक चल गई मीटिंग, इसलिए मैं अब गाड़ी में बैठ के ही आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, और गाड़ी की लाइट इसलिए ऑन करनी पड़ रही है कि ताकि थोड़ा सा फेस दिखता रहे। तो जैसे शुरू में संदीप भाई भी कह रहे थे और आप भी जो बात कह रहे हैं वो सही बात है कि 4 महीने से ज्यादा आंदोलन को हो गए, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंदोलन है
जैसा आज से पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिला था, और ये कई मायनों में असाधारण है, जिसके अंदर चाहे वो संख्या जिस जो इसके अंदर शामिल है किसानों की उसके हिसाब से देखें, या वो जितना संयम और शांतिपूर्ण ढंग से उस दृष्टि से देखें, या जितनी इसकी अवधि लंबी चल गई है, इस ये भी अपने आप में इसको एक हम कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंट आंदोलन इसको बना चुकी है। और सरकार का जो रुख प्रकट हो रहा है वो सही आप कह रहे हैं कि शायद वो थका देने की कार्य नीति के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो थका नहीं पा रहे हैं आंदोलनकारियों को और पूरे आंदोलन को। इसलिए जो इसलिए बहुत ही अंतरंग और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि कुल मिला के जो भी किसान इस आंदोलन में संलिप्त हैं, सम्मिलित हैं और इसको चला रहे हैं, पूरे तौर पे इसके साथ वो जुड़ी हुई देखते हैं। एक बात तो ये किसानी के स्तर के ऊपर है, और वो सभी श्रेणियों का किसान, मतलब गरीब से गरीब किसान से लेके और अमीर किसान तक, तमाम श्रेणियों का किसान इसके अंदर एक तरह से शामिल है और उसका भविष्य उस तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कई बार भाषणों में आप देखने को सुनने को मिलता है कि हम फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। नस्ल का मतलब है आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले करने का एक जो षड्यंत्र ये है सरकार का कृषि क्षेत्र को, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो तीनों कानून है और कृषि से राज्य का जिस तरीके से विथड्रॉल है वो अपना हाथ खींच चुका है, एक तरह से जो जिम्मेदारी बनती है कृषि के प्रति सरकार की, उसके बाद निश्चित रूप से एक बड़ी एक चिंता लोगों को भविष्य में देखने को मिल रही है। तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बहुत ही एकीकृत ढंग से इसको चला रहा है, ये भी अपने आप में एक चौथी ऐसी खूबी है आंदोलन की कि 550 से ज्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक नजदीक आए हैं और किस तरह सर्वानुमति के साथ वो उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल किसान आंदोलन के और किसान नेतृत्व के सामने खड़ा है वो ये है कि इसका अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किस तरह से इसका विस्तार किया जाए, और वो जो प्रश्न है वो दो ढंग से उनके सामने एक तरह से रूबरू है वो सवाल। और वो एक तो है वर्टिकल उसका सघन करना आंदोलन को, यानी किसानी को भी और जोड़ना और दूसरे तबकों को भी उसके साथ जोड़ना जिनके अपने स्टेक बहुत ही निकटता के साथ किसान आंदोलन और कृषि के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। अन्य जो चाहे वो भूमिहीन तबके हैं, खेत मजदूर हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो उपभोक्ता के रूप में कृषि के ऊपर निर्भर है। और दूसरा है इसका भौगोलिक विस्तार देखा जाए कि देश भर के दूसरे प्रदेशों में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके अतिरिक्त जो प्रदेश है उनके अंदर इसको कैसे खड़ा किया जाए आंदोलन को, ये है वो भौगोलिक विस्तार का सवाल। तो उसमें ये बात तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उड़ीसा में, इन प्रदेशों के अंदर, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड में जो हमारे बिल्कुल ही नजदीक है, या बिहार में, कैसे इन प्रदेशों के अंदर जब जब भी गए हैं किसान मोर्चा का नेतृत्व, उतना ही उनका प्रभाव वहां पर है। लेकिन सवाल ये है कि उस प्रभाव को कंसोलिडेट करके और एक सांगठनिक स्थिति कैसे खड़ी की जाए कि आंदोलन वहां पे अस्तित्व में आ जाए। हमदर्दियां हैं निश्चित रूप से,
और मैं यहाँ आपको जरूर एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले उन ये कोई अचानक अभी 4-5 महीने का यह आंदोलन नहीं है, इसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है। 2014-15 से जो भूमि अधिकरण ग्रहण के जो कानून बनवाए गए थे संघर्ष करके, तो 1915 में मोदी सरकार ने कोशिश की थी उस जो किसान पक्षीय जो प्रावधान थे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उनको बदलवाने के लिए, और वो उसके खिलाफ जो 250 किसानों ने इकट्ठे होकर एक आंदोलन किया था भूमि अधिकार आंदोलन के नाम से, उसमें निश्चित रूप से एक सफलता हमें मिली थी और मोदी सरकार को एक झटका दिया था कि उनको वो भूमि अधिग्रहण के संशोधन को 2015 कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद जो आंदोलन आगे बढ़ा महाराष्ट्र के अंदर भी, विदर्भ में और राजस्थान और हरियाणा पंजाब में, उसका मध्य प्रदेश में भी जब जिस टाइम के ऊपर वहां पर मंदसौर में किसान गोली से शहीद किए गए थे, उस समय भी जो जो जिन जिन जगहों पे चुनाव हुए थे राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इन तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो उसका चुनाव हारने का मुख्य कारण इन किसान आंदोलनों का वहां पर विस्तार होना और जारी रहना भी एक बड़े कारण के रूप में था। तो आज लेकिन हम इस रूप में देखते हैं कि किस तरीके से सरकार के ऊपर ये दबाव बढ़ाया जाए और इसका भौगोलिक और वर्टिकल विस्तार करने के कदम उठाए जाएं, वो हमारा प्राथमिक प्रश्न है संयुक्त किसान मोर्चा का आज के दिन। जी, दूसरी बात जो मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, ये खास तौर पर पंजाब, लेकिन उसमें मैं हरियाणा भी शामिल कर रहा हूँ कुछ हद तक होगा, कि यहाँ पर जो मंडियों का सिस्टम है वो बहुत सुदृढ़ और मजबूत रहा है एक सेंस में, और उसका लाभ किसान को मिलता भी रहा है। लेकिन जो बाकी के प्रदेश हैं उनमें कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से ये वाला सपोर्ट सिस्टम जो मंडी वाला है वो उतना सुदृढ़ और उतना मजबूत नहीं है जितना यहाँ है। दूसरी बात, MSP वाला जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर तो फैक्टर इन होता है, लेकिन बाकी कई ऐसे शायद प्रदेश हैं जहाँ पर MSP मिलता नहीं है या बहुत कम है, तो जहाँ पर ये चीजें अभी से एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है वहां के किसान को इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए क्या चीज है जिसके साथ वो जुड़कर इसके साथ इसकी ताकत बढ़ा सकता है, क्योंकि जो जिसके पास कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी कुछ नहीं है, और उसको इस लॉ से कोई नुकसान दिखाई नहीं देता है अपने लिए, वो अपने आप को कैसे इस आंदोलन के साथ जोड़े, ये मेरे ख्याल में एक सवाल है जिसके साथ जूझना बहुत जरूरी है। इस पर आप बताइए अगर कुछ आप रोशनी डाल पाए तो। तो जो आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा है कि हरियाणा, इंद्रजीत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हमें भी कुछ कहने का मौका मिलेगा भाई साहब जी, एक मिनट अभी उनसे बातचीत हो जाए अंत में जी। इंद्रजीत जी आप अगर मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही और वीडियो लिंक भी टूट गया लगता है। तो बॉबी अगर हूं और कुछ मदद की स्थिति हो तो एक बार देखिएगा उनसे बात करके, उनका मेरे ख्याल में अब तो लिंक बिल्कुल ही टूट गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर भी।
तो इस बीच में जितनी देर वो शामिल होते हैं या कोशिश की जाती है उनसे जुड़ने की, मैं अपनी तरफ से कुछ बातें यहाँ पर इस रूप में रखना चाहूँगा कि जो आप में से अधिकतर लोग शायद ये जो बॉर्डर्स हैं खास तौर पर टिकरी का, सिंधू का, इनसे आप दूर होंगे शायद, और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला होगा। वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आपने बहुत देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, उनसे एक एहसास होता है और एक फील मिलता है उस पूरी जगह का। लेकिन आप वहीं वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं अपनी आँखों से, तो वो अनुभव एक बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव है। और आप वहाँ पर जाते हैं तो आज 4 महीने हो गए उनको वहाँ बैठे, आज भी अगर आप जाकर उनसे बात करेंगे तो वो कहते यही हैं कि हम तब तक वापस नहीं जाने वाले जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि अभी भी सुदृढ़ और मजबूत हैं सभी किसान जो वहाँ बैठे हैं इस बात में कि ये लॉज तो वापस करने ही करने हैं। एक चीज तो ये साफ साफ वहां पर आप जाते हैं तो झलकती है, देखने में आती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन ने, जो जिसकी तरफ इशारा भी किया था इंद्रजीत जी ने, इस आंदोलन ने ये एक बड़ा काम किया है कि जाति, धर्म, वर्ग, इन सब बंधनों को काटते हुए लोगों को एक साथ जोड़ा है। ये लोग एक साथ जोड़ने का काम किया है। इंद्रजीत जी अब उनका बॉक्स तो दिखाई दे रहा है, विंडो दिख रही है। हाँ जी, हेलो जी जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, मेरे को ना, मैं समझ रहा था कि मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के और भी मुल्क में है जहाँ ये जो हरित क्रांति की बात हुई थी उसके बाद से मार्केटेबल सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा है यहाँ, और लगभग छोटे से छोटे किसान भी करते हैं, इसलिए बहुत पहले से मंडी सिस्टम के साथ वो जुड़े हुए हैं। उतना ज्यादा उस तरीके से मार्केटेबल सरप्लस दूसरे प्रांतों में नहीं हुआ, बहुत अपने अपने उसके कारण रहे हैं, इसलिए वो 1970 के आसपास जो देश ने खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम, जिस समय के ऊपर हम बाहर मुल्क थे उसे पीछा छुटा, तो निश्चित रूप से वो एक इंसेंटिव दिया गया, केवल अपने प्रॉफिट के लिए पैदा नहीं कर रहा और वो देश को अनाज भी खिला रहा है, करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, तो अनाज पैदा कर रहा है तो उसको इंसेंटिव, उसको एक न्यूनतम समर्थन तो मुल्क के कई सारे अन्य भागों में उस तरीके के साथ जोड़ दिया जाए जिसके अंदर सब्जियां, फल वगैरह और जो दूसरी उत्पादन है एमएसपी के साथ, तो अब उसकी चर्चा जरूर है बहुत सारी जगहों पे। और लेकिन जैसे बिहार जैसे ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पे ये मार्केट 2006 में खत्म कर गया था, तो उसके बाद से उनको निश्चित तौर पे कोई अनुभव रहा होगा, और वहां पर भी अगर इस बात को जाएगा तो निश्चित तौर पे लोग वहां पे जुड़ेंगे। और जैसे केरल के अंदर हम देखते हैं तो पैटी जो है आपां 1,000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा उनको मिलता है, और उसका मूल कारण ये है कि केरल में कोऑपरेटिव बना रखे सहकारिता, उत्पादक के भी और उपभोक्ता के भी, उसकी वजह से बीच में कोई खाने वाले नहीं है। अगर आप बासमती चावल का उदाहरण लें तो मेरे ख्याल में किसान को मुश्किल से 20 रुपए किलो दिया जाता है जब वो बेचता है, और खुद जब वो दुकान के ऊपर उपभोक्ता जाके खरीदता है तो 200 रुपए किलो से ज्यादा है। तो इतना बड़ा गैप है ये कॉफी में, मसालों में और दूसरे जो कृषि उत्पादन है उनके अंदर भी ये परिस्थिति एक बनी हुई है। तो
बहुत सारी जगहों पे ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से वो लोग वाकिफ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई की बात है कि ये कृषि संकट की गहराई और बहुत सारे मसलों के ऊपर भी है, और ये दो मांगे एमएसपी की और ये तीन कानूनों को मानने का सवाल, अगर ये मान लो हल भी हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि संकट हल हो जाएगा। कृषि संकट बहुत गहरा है और जब की नीतियों से इसका एक तरह से प्रभाव पड़ा है कृषि क्षेत्र पे, बाकी क्षेत्रों के ऊपर भी, उसके बाद से ज्यादा आत्महत्याओं का भी, कई लाख आत्महत्याएं अगर हम देखें तो पिछले 15 है, और उसका मुख्य कारण यही रहा है कि जो किसान की और उसके जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो वो एडवर्स है, प्रतिकूल है किसान के हितों के, इनपुट और आउटपुट, लागत और आमदनी का जो इक्वेशन है प्रतिकूल से किसानी के फंदे के अंदर फंसी हुई है, तो वो तो फिर भी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिन जो मीटिंगें किसान महापंचायतें जो अलग की गई है उसके अंदर जो ट्रस्ट प्रेजेंट्री जिसको हम कहते हैं उसने रुचि दिखाई है, और इस आंदोलन ने देश भर के किसान के सामने ये संदेश जरूर दिया है कि उसकी दशा सुधारने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और वो आंदोलन किया जा सकता है और उस मुद्दे के ऊपर इस सरकार को घेरा जा सकता है। इतना भर संदेश अभी तक भी जा ही चुका है और एक ऐसा लोगों के अंदर देश भर में दुनिया भर में पैदा करने में आंदोलन सफल है, ये अपने आप में अब तक की भी एक बड़ी सफलता इस आंदोलन की कही जा सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी जब तक आप अगला सवाल करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सके। जी ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इतना संदेश तो पहुंचा ही है, वो तो घर घर पहुंचा है, मैं कहूंगा किसान तक ही क्यों तो घर घर पहुंची है बात। एक चीज जो मुझे महसूस हो रही है कि हम किसान लीडरशिप के खासतौर पर राजेवाल जी के मैंने दो चार भाषण सुने हैं, उसमें ये चीज तो निकल कर आती है कि खेत के ऊपर कंपनीज की आंख है, मतलब उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि किसी तरह से कंपनियों के हाथ में आए। जो तीन कानून हैं उनकी जिस तरह से व्याख्या आमतौर पर हो रही है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कानून है, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, और तीसरा मेरे ख्याल में जिसको हम कह सकते हैं कि खेती से जुड़ा हुआ सीधा सीधा कानून है। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग वाले मुद्दे के ऊपर एक खास किस्म की समझ होती है कि एक अग्रिम राशि होगी, उसका एक पीरियड होगा और वो सारी चीज होगी, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग में ये अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है कि जमीन के ऊपर खेती कंपनी भी कर सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जितना एक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ तो थोड़ा कोशिश भी की है उन कानूनों को ध्यान से पढ़ने की, रीडिंग बिटवीन द लाइंस सीधे सीधे आपको नहीं मिलता है, लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले एक्ट में आपको ऐसे स्वर दिखाई देते हैं जिससे आपको ये लगता है कि कंपनी खुद खेती कर पाएगी, कुछ प्रावधान ऐसे हैं। ये वाला जो पक्ष है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि शायद ये वाला पक्ष पूरी तरह से किसान तक भी मालूम नहीं पहुंचा है कि नहीं, कि ऐसे प्रोविजंस हो गए कि आप 40-40, 50-50 एकड़ इकट्ठे करके खेती करने का हिसाब किताब बन जाएगा कंपनियों का, और वो खेती इतनी बड़े स्केल की खेती आम किसान नहीं कर सकता है, वो तो फिर कंपनी ही करेगी। मुझे वैसा महसूस होता है जब हम चर्चा करते हैं तो बात बीच में आती है कि ये वाला संदेश अगर बाकी के स्टेट्स में जाता है कि ये सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं है, ये असल में किसान के खेत की जमीन कंपनी के हाथ में जाने की बात है, ये संदेश कितना एक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
ऐसा रमणीक भाई, एक बात तो यह है कि जो तीनों कानून है वो परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है वो, आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, यू हैव टू रीड देम टुगेदर द ऑल द थ्री, और वो तीनों सेट ऑफ एक्ट्स यू कैन से वो ओवरऑल जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, फिर वो उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, वो न्यूलिबरल जो एजेंडा है सरकार का उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लो प्राइवेटाइजेशन है, हमारे देश के बहुमूल्य जो परिसंपत्ति है उनको बेचने का सवाल है, बैंकिंग या रेलवे या एयरवेज या आप कह सकते हो इंश्योरेंस वगैरह, उन तमाम चीजों को जो प्रायोरिटाइज करने का एजेंडा है, ये ओवरऑल लिबरलाइजेशन का पार्ट है जो एग्रीकल्चर के अंदर अभी किए जाने की जरूरत है। तो जो पहले वाले कानून की आपने जो चर्चा करी है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर या बड़ी कंपनियां खुद खेती करेंगी, ये जो परिस्थिति है, और उसके जो मतलब पहले वाला नहीं, इसको शायद हम दूसरे वाला कह सकते हैं अगर सीरीज के रूप में देखें तो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी, वो कर पाएंगी, उसके जो परिणाम होंगे वो कुछ जगहों पे तो ना उसका अनुभव है लोगों को। महाराष्ट्र में पुराने टाइम कुछ कंपनियों ने, पेप्सिको वगैरह ने, और पंजाब के अंदर भी वो टमाटर वगैरह की या पोटैटो चिप्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे लिखित में, और अंततः वो नतीजा ये निकला, बहुत दिन नहीं हुए उस बात को, 10-12 साल पहले ही की बात है, नतीजा ये निकला कि आम किसान के की जो औकात है, उसकी जो स्टैंडिंग है उस विद रिलेशन टू द कॉर्पोरेट कंपनी लाइक पेप्सिको या कोई दूसरी जो बड़ी कंपनी है बीजों वगैरह के अंदर जो काम करती है, मॉन्सेंटो वगैरह, उनके मुकाबले उसकी स्टैंडिंग कुछ भी नहीं पड़ती, वो बहुत ऊंचे लेवल पे है, और वो किसान जो है अगर वायलेशन भी होती है और उसको जो प्रोडक्ट उसने पैदा किया है उसको अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है या एग्रीड जो रेट था उसके ऊपर परचेज नहीं करती है, तो उसका रिड्रेसल कोई रिटर्न कानून के तौर पे किसान उस कंपनी को ड्रैग नहीं कर सकता है अदालतों के अंदर। ये एक बिल्कुल ही हवाई और थ्रिटिकल बात है, उसकी इतनी औकात नहीं है, और अब कानून के अंदर तो ये लिखा गया है कि वो एक मैकेनिज्म सरकार बनाएगी, उसके अंदर एक मामूली सा अदना सा कोई एसटीएम तरह का अफसर जो है वो एडजुडिकेट करेगा अगर कोई डिस्प्यूट या ग्रीवेंस किसान की तरफ से जाता है तो। तो ये कहने की बात है, वो कुछ उनका और विकल्प कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो पहले वाला कानून है उसके अनुसार ये कहते हैं मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, ये बिल्कुल कहने की बात है। अगर आप बिना किसी टैक्सेस के मंडी के बाहर एक कंपनी को बिना किसी लाइसेंस के, केवल मात्र पैन कार्ड उसका होना चाहिए, आप इजाजत दे रहे हैं उसको ट्रेडिंग करने की, तो ये निश्चित बात है कि शुरू के कुछ सालों में वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 150 रुपए फालतू दे देगी अगर कंपनी किसान को, तो किसान तो वहीं पे जाएगा और फिर भी कंपनी को बचेगा, हालांकि वो बेशक लॉस में भी चली जाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है कुल मिला के, क्योंकि अंततः वो उसके अपने नेटवर्क में फंसा चुके होंगे और तब तक मंडियां बंद हो चुकी होंगी, उसके बाद जो इक्वेशन है वो पूरे तौर पर बदल जाएगी, उस समय किसान जो है वो मुकम्मल तौर पर कंपनी के रहमो करम पर रहेगा, मंडियां बंद हो चुकी होंगी, और एमएसपी का तो निश्चित रूप से वो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिडंडेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को फॉर्मली कोई एमएसपी अबॉलिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आज भी हम देखने लगे
तो वर्तमान में जो एमएसपी का पैटर्न और प्रणाली है कैलकुलेट करने की, वो प्रणाली भी किसान को मामूली राहत दे पा रही है, वरना कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो मीट आउट हो नहीं रहा, क्योंकि जो फार्मूला डॉक्टर स्वामीनाथन ने रिकमेंड कर रखा है C2 जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की जाए तो निश्चित तौर पर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट आउट नहीं होती है वर्तमान जो एमएसपी के रेट्स हैं, चाहे वो खरीफ का हो और चाहे रबी क्रॉप का हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, रिटर्न कम है एमएसपी के हिसाब से, लेकिन यूं है कि भाई वो कर्जे में जा रहा है या फैमिली लेबर काउंट नहीं हो पा रही है, या जो कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है, आज के दौर में कोई बिना पूंजी के तो खेती हो नहीं सकती, तो उसका भी इंटरेस्ट वो काउंट नहीं करते, और लैंड का जो रेंट है जमीन का उसको भी वो काउंट नहीं करते कैलकुलेट करते हुए। तो वर्तमान प्रणाली भी एमएसपी की संतुष्टि पूर्ण नहीं है। अगर आप आज ही देखेंगे तो जो फर्टिलाइजर का कट्टा जो 1200 रुपए में आता था वो आज 1900 रुपए का हो गया, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हर चीज इतनी महंगी हो रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और बीज का तो पूछो ही मत, और तमाम ये जो चीजें हैं शिक्षा स्वास्थ्य भी प्रभावित कर रहा है इस मौजूदा स्थिति को। तो आप सही कह रहे हैं कि जब वो सीधे तौर पे तो उस पे नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्चुअल खेती होगी, तो जमीन भी मतलब जा सकती है किसान की, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर वो किसान जो है वो जितना पैसा कंपनी से लेगा खेती करने के लिए और उससे जो कुछ उगाएगा, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो निश्चित तौर पे किसान से उसकी रिकवरी तो की जाएगी, ये तो लिखा हुआ है। अब रिकवरी करने के लिए जो जो चीजें उसके शामिल होंगी, घर है जमीन है, वो भी साथ में लिखा हुआ है कि वो भी एक असेट के तौर पे होगा जिसके माध्यम से कंपनी अपनी वसूली कर सकती है। ये आम किसान को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन पंजाब के जो किसानों से मेरी रोज बातचीत होती है वो तो शुरुआत ही यहां से करते हैं कि हमारी तो जी जमीनें चली जाएंगी, उनको खतरा है, तो वो इस बात को भांप चुके हैं निश्चित रूप से। और यही चीज जब हम ये पर्चे लेके जाते हैं और आप जैसे साथी भी जो पर्चे लिख रहे हैं उनको भी जब लोगों के पास हम लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो इस बात का पता ही नहीं था, इससे तो हमारी आंखें खुलने लग रही है अब। तो काफी बड़े हिस्से के अंदर वो चीज भी मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता जागरूकता के रूप में उनके सामने जा रही है। जी मुझे लगता है, मैं सिर्फ बिल्कुल छोटी सी इतनी सी बात आपकी बात में जोड़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली एक्ट में भी, मेरे ख्याल में वो खेती वाला कानून है, मुझे अब नाम तो उसका पूरा याद नहीं है क्या है, उसकी धारा 8B में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ है कि जिस हालत में जमीन ली थी उसी हालत में जमीन वापस, उसी हालत में छोड़नी होगी जमीन वापस। इसमें निहित है कि जमीन किसान से कहीं और गई है, कहीं और गई है, और एक जगह ये भी लिखा गया है कि जो सेवाएं हो, सेवाएं देगा किसान, वो उसकी मतलब पेमेंट होगी या जो भी है। तब सेवा तो किसान या तो अपनी मेहनत की मजदूरी की दे सकता है या जमीन की दे सकता है। तो मैं सिर्फ ये दर्ज करवाना चाह रहा हूं कि शायद इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि उस सेक्शन को विशेष तौर पर अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सीधे सीधे नहीं कहा गया, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है केवल कि जमीन जाएगी उनके हाथ में। और दूसरा, जब जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें जब ये कहा गया कि जोतें छोटी हो गई हैं, इनको इकट्ठा करने की जरूरत है, ऐसा सा एक जो बिल है उसकी जो ऑब्जेक्ट्स एंड वो वाला जो हिस्सा होता है उसमें ये बात कही गई है, उसमें निहित है कि जो छोटे खेत हैं उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। खैर, तो मतलब मुझे, मैं सिर्फ इस बात को इस रूप में रख रहा था कि बाकी बाकी राज्यों में जहां पर अभी किसान नहीं जुड़ रहा है, अगर उसको ये बात समझ में आती है कि मेरी धरती भी कंपनी के हाथ में जा सकती है,
तो शायद वो एमएसपी वहां ना मिलने के बावजूद इस आंदोलन के साथ जुड़े। आप जिस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं वैसे तो उन्होंने वो दिखाने के लिए तो इसलिए लिखा है जैसे वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उसी हालत में वापस करनी होगी, लेकिन उसका अंतर्निहित उसमें अंतर्निहित ये अर्थ है कि जमीन तो गई थी इसीलिए तो वो वापस आने की बात उसमें लिखी गई है। जी, जी। तो ये छिपा हुआ अर्थ उसके अंदर मौजूद है। दूसरा जो आप कह रहे हो, अब ना अभी आज ही संयुक्त किसान मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर की वो करेंगे कन्वेंशन, और उसमें देश भर के जो किसान आंदोलन है उसमें साउथ के भी होंगे, पूर्वी साइड के भी होंगे, पश्चिम, देश भर के किसान आंदोलनों को और दूसरे संगठनों को भी जो किसानों किसान आंदोलन के एकजुटता में खड़े हैं उनको भी बुलाया जाएगा, ऐसी बड़ी राष्ट्रीय कन्वेंशन दिल्ली के अंदर करेंगे। और वो अभी जल्दी ही मतलब क्या कहते हैं मई के शुरू में ही संभावना है उसके किए जाने की। और ये जो जो मैं कह रहा था जो वर्टिकल करने के दृष्टि से एक मई का जो दिन आएगा जिसको मजदूर दिवस कहते हैं मेडे, उसके वो किसान मजदूर एकता के रूप में मनाया जाएगा, और उसके लिए क्या तरीका होगा मनाने का, ये आने वाली 17-18 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व की इस देश की तमाम जो प्रमुख ट्रेड यूनियन है उनके नेतृत्व से बातचीत होगी कि किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मई दिवस को कैसे मनाया जाए और इस गठजोड़ को एकता को कैसे मजबूत किया जाए। इसी प्रकार जो 14 तारीख का दिन आ रहा है अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है, उस जयंती के मौके के ऊपर बहुजन किसान एकता दिवस और संविधान बचाओ दिवस इस रूप में मनाए जाने की, क्योंकि संविधान भी बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी चुनौती दरपेश है उनके सामने और बहुत बड़े खतरे खड़े हो गए हैं कि रूल ऑफ लॉ और सोशल जस्टिस और लोकतंत्र का जो सवाल है देश के अंदर, डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज का जो सवाल है, जिस तरह से छापे पड़ते हैं आंदोलनकारियों के ऊपर ईडी के और एनआईए के या सीबीआई जिस तरीके से उनको फंसाने की कोशिशें करती है, ये चीजें दर्शा रही हैं कि भी खतरे में इसके अंदर इसका कंसोलिडेशन है। उसमें जैसे मान लो भाई 8 मार्च को महिला दिवस था तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी किसान आंदोलन में हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिली, और वो अपने आप को केवल एक दर्शक के रूप में नहीं बल्कि किरदार की तरह से किसान के रूप में सामने आई है और डटी हुई है। ऐसे ही जैसे 23 मार्च का भगत सिंह का दिन था तो छात्र और युवा सामने आए, और अब ये आपका म्यूट अनम्यूट कीजिए इंद्रजीत जी, म्यूट पे चले गए आप म्यूट पे चले गए हैं इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी बड़े नेतृत्व को उस के ऊपर भी जी। मैं अब चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं, अपनी बात और नहीं बढ़ा रहा। एक तो सवाल ये आया है कि मध्यम वर्ग तक इस आंदोलन को ले जाना होगा और उसके लिए वो कह रहे हैं कि एमएसपी से एमआरपी तक यह नियंत्रित करने की मांग करनी होगी। 1 M मिनिमम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ वाला M मैक्सिमम कैसे हो जाता है? जब 20 रुपए का बासमती 200 रुपए हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि न्यूनतम खुदरा मूल्य 40 रुपए हो,
ऐसा कुछ। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो क्या कहना चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास को कैसे जोड़ा जाए और ये एमएसपी और एमआरपी वाले मुद्दे को बीच में लाकर कैसे ये किया जा सकता है। एमआरपी से मैं समझ रहा हूँ मिनिमम रिटेल प्राइस, वो शायद कह रहे हैं, शायद वही कहना चाह रहे हैं वो। और मिनिमम रिटेल प्राइस आमतौर पे वो निर्धारित करता है जो उत्पादन करता है, तो ये एक अपने स्तर पे बात सही है। लेकिन आज के दिन जो तात्कालिक तौर पर किसान आंदोलन के सामने सवाल खड़ा है वो बुनियादी तौर पे एमएसपी को बचाने का है, और यदि वो उसका एमएसपी बच जाता है तो वो तभी संभव है जब हम जिसको कहते हैं ना स्टेट प्रोक्योरमेंट, यानी राज्य से प्रोक्योरमेंट की जाएगी अनाज की और प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, तभी संभव है कि एमएसपी दिया जा सके। और तीसरा जो कंपोनेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है और ये इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह से ना फूड चेन है। इस फूड चेन को एक कड़ी को भी कहीं से तोड़ दिया जाए तो पूरी चेन छिन्न भिन्न हो जाती है और खाद्य सुरक्षा जो है वो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी हमारे देश की। जो भारत जैसा मुल्क जो है इस अगर इस दिशा में बढ़ेगा तो हम भुखमरी की स्थिति की तरफ कर जाएंगे देश को, ये खतरे इसके अंदर निहित हैं। तो एक उदाहरण तो मैंने जैसे केरल का दिया, अगर उत्पादक और उपभोक्ता उनके कोऑपरेटिव्स बना दिए जाएं, और ये मैं कई मामलों में देख भी चुका हूं कि जहां पे ये जैविक खेती करने के उदाहरण सामने आए हैं उन जगहों के ऊपर उत्पादक इंटरफेस जो अंतर्मुख वो बने हैं तो वो चले भी हैं और उससे दोनों को लाभ हुआ है, उत्पादक को भी और उसको भी। तो हम ये एम हटाने की बात नहीं है, मतलब वो एमएसपी हो चाहे एमआरपी हो, निश्चित रूप से अगर पूरी चीज बचेगी तो उसमें से एक अंश भी बच पाएगा। आप अगर एक अंश को बचाना चाहते हैं तो पूरी चीज को होलिस्टिकली बचाना जरूरी है, हम टुकड़ों में उसको सेव नहीं कर पाएंगे किसी एक प्रकार की चीज को। शायद मैं समझता हूँ जिस साथी ने ये सवाल पूछा है वो मुझे लगता है संतुष्टि हो जानी चाहिए इससे। जी, वो उन्हीं ने जवाब में एक तरह से ये लिखा है कि एमएसपी तभी बचेगी जब आप पूंजीपति के मुनाफे रोकने की मांग रखेंगे। नहीं, पूंजीपति का मुनाफा तभी रुक पाएगा यदि हम मोनोपोली कैपिटल से छुटकारा दे पाएंगे इसको। अगर वो टेक ओवर कर लेगा तो निश्चित तौर पर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो राज्य के जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचे हैं, जिसकी वजह से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के इंटरेस्ट को वॉच किया जा सकता है, सेफगार्ड किया जा सकता है, वो है राज्य का यानी स्टेट का बहुत ही सॉलिड उसके पीछे खड़ा होना। और स्टेट चाहे कुछ भी चीज के निजी क्षेत्र के अंदर चला जाए लेकिन इसके निजीकरण में उसको जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है निश्चित रूप से। तो अगर स्टेट प्रोटेक्ट करेगा दोनों के हितों को तो निश्चित तौर पर वो तभी कर पाएगा जब वो मोनोपोली के मुनाफों के ऊपर अंकुश लगाने को तैयार होगा। और अगर लेकिन आज के दिन तो ये लग रहा है कि उनके मुनाफों के बारे में ज्यादा प्रतिबद्ध है राज्य, जिससे उसको रोकना और उसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। कुल मिला के ये आंदोलन का लक्ष्य वही है देखा जाए तो। जी, एक और सवाल है, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन अदर कंट्रीज इन अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। इंद्रजीत जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी, मैं सवाल दोहराता हूँ। जी जी, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
in countries like America, Latin America and Africa. Ji. हाँ जी जी ये सवाल है कि आया कि अन्य मुल्कों में जैसे अमेरिका है लैटिन अमेरिका है अफ्रीका है जी. वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या कंसीक्वेंसेस हुए क्या नतीजे निकले मतलब अगर यूरोप के अमेरिका के और थर्ड वर्ल्ड के अलग अलग देखने लगे तो एक नतीजा तो कॉमन ये जरूर मिलेगा कि किसानों की तादाद बहुत ज्यादा घट गई और वो मतलब खेती के ऊपर जो निर्भरता थी और उनको वैकल्पिक आजीविका नहीं मिल पाई कहीं पर भी और ये जो किसानी की इनकम और उसकी जो डिग्रेडेशन है ये तो यूरोप के मुल्कों के अंदर भी अभी पिछले ही कुछ दिनों देवेंद्र शर्मा जी ने लिखा था ट्रिब्यून में स्पेन के बारे में कि कितनी बुरी हालत हुई है और अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का देखने लगे तो लातिनी अमेरिका के जो देश हैं या अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं उनमें तो जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है उन्होंने तबाही कर दी उन मुल्कों की बहुत बुरी तरीके से जिनको बनाना रिपब्लिक कहते हैं और जो भी वहां पे एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस था कंप्लीट टेक ओवर उनका कर लिया तो कुछ मुल्कों के जो किसानी थी उन्होंने तो इकट्ठे होके बड़ी लड़ाइयां लड़के अपने यहाँ वो जो नव उदारीकरण की नीतियां थी उनको चुनौती देते हुए ऐसी सरकारों को हटा ही दिया जो सरकारें कंपनियों को लेके आई थी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ खड़ी हो गई थी अनेक मुल्कों के अंदर उसमें ब्राजील भी है बोलीविया भी है उसके अंदर वेनेजुएला है उसमें इक्वाडोर है उसमें ये आप क्या कहते हैं इसको अर्जेंटीना है उसके अंदर आपके चिली भी है ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने उन सरकारों को इस सत्ता से हटा दिया जो सरकारें कॉर्पोरेट को लेकर आई थी एग्रीकल्चर में और वहां पे एग्रीकल्चर के अलावा जो खनिज पदार्थ है उनकी भी बहुत बड़ी टेक ओवर कर चुकी थी वो सरकारें तो वहां मुख्य संघर्ष बल्कि अभी इस बात के ऊपर चल रहा है मतलब ब्राजील के अंदर तो बहुत ही क्या कहते हैं मतलब बड़ा फर्जीवाड़ा करके और वो जो वामपंथी राष्ट्रपति थे उनको सत्ता से ही हटा के जेल में डाल दिया ने उनको रिलीज किया है और ब्राजील बहुत ही खतरनाक दौर में जा चुका है अगर कोविड को भी देखा जाए और उन मुल्कों में जहां जहां भी प्रगतिशील सरकारों को सत्ता से हटा गया वहीं पर लोकतंत्र का भी खात्मा हुआ है और लोगों को लड़ाई से बाहर करनी पड़ रही है अपने जो पक्षीय या आप कह सकते हैं कि उदार ऐसी सरकारें जो मतलब डिक्टेटरशिप के खिलाफ रही है या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के खिलाफ रही है जी और हमारे यहाँ भी इसी रूप में लोकतंत्र का सवाल अनिवार्य रूप से मेरे को ये लग रहा है अघोषित तरीके से इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है कि इस आंदोलन में एक चुनौती ये भी है कि जिस तरीके से आपने कानून पास किए हैं ये एक शासन की पद्धति है इसी तरीके से इन्होंने मजदूरों के भी 33 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए उनको भी उसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर 1 घंटे में 44 कानून खत्म 33 कानून खत्म कर दिए गए तो शासन पद्धति को भी चुनौती है कि आप ऐसा करेंगे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ये भी कुल मिला के इस लड़ाई का एक बड़ा कार्यभार बनता है जिसकी वजह से अन्य जो तबके हैं मध्यम वर्ग हैं बुद्धि हैं विद्वान हैं प्रोफेसर हैं उनको भी इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ भी रहे हैं उनकी हमदर्दियां इसके साथ हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने का सवाल अंतरंग रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है जी
अनिल मिश्र जी ने बीच में कहा था कि वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो अब जी आप पूछिए कुछ जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, सवाल के रूप में पूछिएगा। जी 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 जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी कि जब लेवी के भाव निश्चित किए गए 67 में, उस टाइम 40 रुपए लीटर डीजल था, 70 रुपए किलो गेहूं था, सवा क्विंटल में साइकिल मिलती थी, एक क्विंटल में एक क्विंटल सरिया मिलता था, एक क्विंटल गेहूं में 2,350 गुम्मा मिलता था। जी 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 जी, तो ये 12 कट्टे सीमेंट के क्विंटल गेहूं में मिल जाते थे। तो हमारा ये कहना है कि जो ये राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ रहा है, तो ये उस विचारधारा को जो टिकैत जी लेकर चले थे, उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं ये लोग? और लड़ाई तो बड़ी गंभीर है, जबकि दूसरी तरफ कर्मचारी जितना सोना अपनी तनख्वाह से लेते थे, उनकी तनख्वाहें 67 के मुताबिक बढ़ा दी गई, मुद्रा की कीमत सोने से आंकी जाती है, इनका तो मारा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और बिल से तो परेशानी है ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और जो किसान की असली लड़ाई है, वो बात भी उठाई जानी चाहिए, और वो दर्द जो किसान का दर्द है, उस पर गौर करना चाहिए। उधर भ्रष्टाचार का भी सवाल है, उधर नेताओं की अकूत संपत्ति का भी सवाल है, ये गंभीर सवाल है, और इधर जो संगठन है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, तो महान आत्माएं जो सामाजिक कार्यकर्ता माननीय संदीप जी जैसे लोग, मेधा दीदी, ये इन्होंने आकर मजबूत किया, नहीं तो किसान का आंदोलन कमजोर हो गया था पहले, ये सब फेल हो गए थे। क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन में रहा हूँ टिकैत जी के साथ, मैंने सारी हालात देखी है, तो अब उस परिवर्तन की भी जरूरत है, और जिंदा तो करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रहे जिन्होंने जिंदा किया और एक दिशा दी, सरकार को चुनौती दी, ये उनको ही जाता है। मुजफ्फरनगर की हालत रही कि एक साल ये अब मेरे जवाब हिंदू मुस्लिम हुआ, में एक साल मुस्लिम लुका बैठा रहा, ये भी आपका सवाल सवाल कर दे तो मैं बता सकता हूँ, आपकी बातें बहुत विचार होना चाहिए, आपकी बात जो जितनी है सारी बहुत ही प्रासंगिक है, आपकी बातों को नकारा नहीं जा सकता, बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा है आज के दिन कि हम अपनी इच्छा से एजेंडा तय नहीं कर सकते, एक परिस्थिति पैदा हो गई देश के सामने, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी किसानी की, और हम MSP की गारंटी और कर्जा मुक्ति इनके ऊपर आज से 2 साल पहले जंतर मंतर के ऊपर किसान संसद किया गया था, और दो प्राइवेट लेकिन हुआ ये है कि एक कानून आने के बाद एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि तात्कालिक रूप से आप उन कानूनों को रिपील करवाना जरूरी हो गया, तो इसका खतरा एक बार अगर टलेगा तो निश्चित रूप से वो सारी समस्याएं सामने आएंगी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन आज के दिन किसान आंदोलन के सामने 3 कानूनों को रद्द करवाना और MSP की गारंटी और बिजली बिल, और बाकी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये सामाजिक आंदोलन है, मेदाजी है या दूसरे जो कई हमारे साथ जो जुड़े हुए आंदोलन है किसान आंदोलन के, उनसे निश्चित तौर पे किसान आंदोलन को बल मिला है, वो विफल हो गया था नहीं हो गया था इसके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, उससे मजबूत हुआ है किसान आंदोलन, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, और मेदाजी और तमाम जो सामाजिक आंदोलन है वो आज नहीं जुड़े हैं, वो कई साल से किसान आंदोलन के साथ उनके बहुत ही गहरे रिश्ते हैं जी, ये मैं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात कहना है कि ये सब अलग अलग टुकड़े में रहे, आज मोर्चा बना है, बहुत पहले होना चाहिए था ये सब, वो और अलग अलग टुकड़े में लड़ते रहे, क्या चाहिए था, जो चीज जिस समय पे हो जाए वही अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, उस टाइम पे ये क्यों नहीं हुआ या उस टाइम पे ये होना चाहिए था, अब वो जो गई हुई बात तो चली गई आज के दिन तो, लेकिन ये एक सकारात्मक परिस्थिति है जी, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत शायद इस आंदोलन पर इस रूप में बिल्कुल सही फिट बैठती है कि जो पहले नहीं हुआ अब हुआ है और आगे बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में इसी पॉजिटिव इसी इसी सकारात्मक नोट पर पूरी उम्र गुजरी है,
इसी आपको तो हम सलाम करते हैं अनिल भाई, आपको सलाम करते हैं। इसी सकारात्मक हालात पर ध्यान देना जरूरी है राष्ट्रीय मोर्चे को, ठीक कह रहे हो, और हालात अपने बीच में बदले जाएं। किसान आपके साथ है, और जिस दिन किसान आपके साथ पूरे तौर पर खड़ा हुआ, सरकार तो भाग जाएगी, उसकी क्या ताकत है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लड़ाई है, सवाल ये है, इसमें कोई या बिल्कुल आपने छोड़ा आने बात कह दी। जी जी सही कह रहे, जी जी धन्यवाद, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो संचालक हैं इस पूरी चर्चा के, मेरे ख्याल में बॉबी होंगे शायद, उनसे इजाजत लेते हुए मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छी खासी बातचीत कर ली, और इंद्रजीत जी का विशेष धन्यवाद और आभार कि उन्होंने सफर करते हुए भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है और अपने सवालों के जवाब पूरे दिए हैं हमें, और इंटरनेट का भी धन्यवाद, कुछ ज्यादा व्यवधान हाँ। नहीं आया है, और इस नोट पर कि ये चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है आगे, जो और किसानी का गहरा संकट की इंद्रजीत की बात कर रहे थे, उस पर अलग से भी बात हो सकती है, तो मैं अलविदा कहूंगा धन्यवाद के साथ इंद्रजीत जी को, बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत शुभकामनाएं, आपका भी सभी साथियों का, सफल हो आंदोलन, ये शुभकामनाएं सबकी, सब जी जी एक दूसरे को, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, थैंक यू जी, नमस्कार।